जय माता दी। सभी भक्तों को सुप्रभात। आज संडे का दिन है, तारीख 23 है 2024। आप सभी को सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? और आज जो है परिवा तिथि है, अषाढ़ की परिवा। हम हिंदी बताते हैं ना आप लोगों को हिंदी पंचांग का, जैसे आप लोग बोलोगे 23 तारीख है, तो दिन संडे तो रविवार है और तिथि परिप्रदा है, आज परिवा, इसको परिवा बोलते हैं। तो अषाढ़ की परिवा विशेष परिवा है, संडे का दिन है। पहला अषाढ़ महीना में सबसे पहले सूर्यदेव की किरण, सूर्यदेव वाले दिन अषाढ़ का पहला महीना है, तो संडे का दिन रविवार है। तो आप लोग लाल वस्त्र पहन के इनको सर सूरज भगवान को अर्घ दो, सूर्य भगवान की कृपा पाने के लिए अर्घ में जल में तांबे का पात्र होना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए, अर्घ देने के लिए तांबे का पात्र, लाल वस्त्र और तांबे के पात्र में गुड़। गुड़ इसलिए डालते हैं घर में सभी से प्यार बना रहे, अच्छत हल्दी मान सम्मान के लिए, सूर्य देवता पूजा तो मान सम्मान के लिए है, और गुड़ से घर में किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो सब तरह से, अच्छा गुड़ इसलिए मान सम्मान के लिए सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। और हमेशा सूर्यदेव को अर्घ देते समय अपने सर के ऊपर से ही जल देना चाहिए, ऊपर से थोड़ा झुक कर, ऊपर करके हाथ फिर झुक कर। नहीं हो पाता आप लोगों से तो आप दर्शन ही कीजिए सूर्य भगवान का, पर कीजिए जरूर आज। और ये मान के सूर्य भगवान का आप दर्शन करना है आज, बहुत जरूरी है कि आज भगवान जब भास्कर पृथ्वी का जो पूरा उजाला प्रकाश देने वाले हैं, उनके अस्त होते ही अंधेरा, इनके उदय होते ही उजाला, तो दुनिया एकदम इन्हीं के रास्ता देखती है, कब सूर्य भगवान किधर सूर है। सुबह देखिए सूर्य भगवान को हमेशा ये रहता है किधर से रहे देखने लगते हैं, कोई देखे ना मैं तो सबसे पहले उठ के देखने लगती हूँ, जैसे स्नान ध्यान सुबह सुबह हो जाता है ना चार, जब तक भास्कर उदय नहीं होते तब तक मैं उनको जल नहीं देती सूर्य को, जब उदय हो जाते हैं तब उनको जल देना चाहिए, नहीं कि रात में ही जल दे दो, नहीं, जब तक सूर्य देवता की ललामी दिखाई दे, जल चढ़ाने का मतलब यही है कि सूर्य भगवान का जैसे ललामी दिखने लगे वो खड़े हो जाओ पात्र लेके जल का, सूर्याय नमः, दिनकराय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः बोलते हो, और जैसे जैसे अर्घ देते रहो सूर्य भगवान निकलते रहे, और एकदम धीरे धीरे, ये नहीं कि एक बार लेके सब, नहीं, बड़े आराम से, जैसे खुद जल थोड़ा थोड़ा करके घूट घूट ऐसे थोड़ा थोड़ा धार बना के सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, और ज्यादा तक हो सके तो किसी पात्र में देना चाहिए, इसे जमीन पे नहीं देना चाहिए, अपने ऊपर छींटा पड़ता है, नहीं छींटा पड़ना चाहिए, हमेशा देते समय किसी पात्र में भगवान को अर्घ दे तो बड़े प्यार से, और उसके बाद किसी गमले में डालो। सूर्य भगवान को आज बहुत मान सम्मान से, ज्यादा तक हो सके तो अपने हिसाब से, नहीं तो नमक भी छोड़ सकते हैं आज के, नहीं हो पाता तो खाइए कोई नहीं, पर उनका दर्शन कीजिए कि दर्शन से ही आपका कल्याण है। सूर्य भगवान की जय। बहुत महत्व दिन का है, बहुत ही ज्यादा आषाढ़ महीना का, मीठा बनाइए, भगवान का भोग लगाइए।